हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कृष्णा पंचाल रसोई में। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस हरी मूंग की सब्जी। और ये बहुत ही आसान है बनाना और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने आधा कप साबुत हरे मूंग लिए हैं। तो सबसे पहले हम मूंग को 2 से 3 बार अच्छे से पानी में वॉश कर लेंगे। और यहाँ फ्रेंड्स मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप पानी। और इसके साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे मूंग। पानी को फ्रेंड्स थोड़ा सा उबलने देंगे और फिर हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच ही नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा मिला लेंगे। कुकर बंद कर लेंगे और 6 से 7 सीटी आने तक फ्रेंड्स हमें इसे पकाना है। मीडियम फ्लेम पे आप इसे पकाएं। और तब तक फ्रेंड्स हम मसाला बनाना शुरू कर देते हैं। तो 2 टेबलस्पून आप ऑयल लीजिए। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, साथ ही इसमें जाएगा 1 छोटी प्याज बारीक कटी हुई, 1 साबुत लाल मिर्च, 4 से 5 काली मिर्च और 2 लौंग। और अभी फ्रेंड्स प्याज को हमें बहुत अच्छे से फ्राई होने देना है। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई होने देंगे और मीडियम फ्लेम पे आप प्याज को फ्राई करें ताकि जल्दी से प्याज हमारी फ्राई हो जाए। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसे भी मिला लेंगे। और प्याज के साथ इन सभी मसालों को फ्रेंड्स अच्छे से हम भून लेंगे। ये देखिए धीरे धीरे कलर भी चेंज हो गया है प्याज का। और अभी इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मसालों को मिला लेंगे। अगर फ्रेंड्स आप स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं तो 1 ही हरी मिर्च डालें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मसाले हमारे बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए। और इसके साथ ही इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच ही धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो 1/2 चम्मच से आप थोड़ा सा कम ऐड कीजिए नमक, क्योंकि नमक कम होगा तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मसाले को मिला लेंगे और धीमी आंच पे मसाले को फ्रेंड्स हम भून लेंगे। और साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, इसे भी मिला लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स मसाला हमारा बनके तैयार हो गया है। और अभी मूंग भी हम चेक कर लेते हैं। तो कुकर हमारा ठंडा हो गया है और ये देखिए मूंग हमारे बहुत अच्छे से बॉईल हो गए। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं और काफ़ी फूल गए हैं। और अभी फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो मूंग है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे मसाले में। तो बहुत ही ध्यान से आप ऐड करें कि ये जो मूंग के दाने हैं वो टूटे ना। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी, लेकिन धीरे धीरे करके हम पानी ऐड करेंगे। और ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स आपको कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए सब्जी में। तो मैंने यहाँ 1 कप पानी ऐड किया है। अच्छे से मिला लेंगे और अभी फ्रेंड्स तेज आंच पे इसे पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट हम फुल फ्लेम पे मूंग को पकाएंगे। और ये देखिए
तीन मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे खूब सारा हरा धनिया। और हरा धनिया ऐड करने के बाद गैस बंद कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये मूंग की सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।